अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा रहे हैं, बल्कि मेरे साथ नहीं जा रहे, मैं लेके जा रही हूँ ज़बरदस्ती इनको। शूज़ पहन रहे हैं और मैं रेडी हूँ, तो चलें फिर भी बस रेडी फॉर वॉक। मेरे साथ हनान और शहजाद आ रहे हैं शूज़ वगैरह पहन। ये देखें, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, लॉकडाउन लग गया फिर से। ये बिलाल की गाड़ी है, ये हनान की गाड़ी है, और उधर दूसरी साइड पे मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी है। सब लोग घर हैं, देखें सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई बंदा भी अपने काम पे जॉब पे कहीं नहीं गया। टोपी कितने थोड़ी फिर कड़ा सिर में हवा लग गई, नहीं टोपी तो बगैर तो गल ही नहीं बननी। पिछली वाली लेयर टोपी आ रहा था। चलो आज मैंने इनको ज़बरदस्ती लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। एक दफ़ा हो गई है, चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी वॉक। क्या हाल चाल है? आज शहजाद है मेरे साथ और मिस्टर हनान है। मैंने और हनान ने तो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया था, मैंने तो 3-4 किलो किया था, हनान ने 10 केजी लूज़ किया था 3-4 माह पहले। तो इसी तरह हमने वॉक करके लॉकडाउन के दौरान। तो गाइस, आज स्कूल नहीं खुले बच्चों के, तो रात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोरिस ने कह दिया कि नेशनल लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से अब हम लोग तकरीबन 18 फरवरी तक बच्चे सब घर हैं। देखिए तभी आपको सब नज़र आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी हाफ डे करके उन्होंने बंद कर दिया है कि जाए घर को। लो तुसी भी पर सलाम कर लो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बड़ी ठंड है आज, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और वाक वाक भी बहुत ज़रूरी है, और साइड पे यहाँ तो इधर। आज मिसबा के साथ मैं भी जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, हनान भी है, हम जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं जा रहे हैं, अपनी कॉलोनी के अंदर ही वॉक करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कल मैंने इन्हें दिखाया था, ये देखे इधर हमारा, ये हमारी जो स्टेट है ना, इसके राउंड ही हम कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सा एक हो जाता है। देखे हवा फिर शुरू हो गई, पहले हवा नहीं थी, तो बच्चों ने पाकिस्तान जाना था व्यूअर्स, मेरे बेटे बड़े ने, छोटे ने, जैनब ने और बेबी ने, तो आज बात हुई थी एयरलाइन से जहाँ से इन्होंने सीटें करवाई हैं अपनी, वो कह रहे हैं कोई ऐसा मसला नहीं, फ्लाइट्स जा रही हैं, आप लोग जा सकते हैं अपने टाइम पे। तो 15 फरवरी को 15 को वो कह रहे हैं फ़ोन करके एक दफ़ा और कन्फर्म कर लें, अगर ना हुआ तो नसीब की बात है। देखिए फिर समर हॉलीडे में, अगर समर में बच्चे गए तो फिर मैं और स्पाइका भी साथ जाएंगे इंशाल्लाह। तो चले फिर अब हम अपनी वॉक को करते हैं तेज़, और जब हम अपने 6 लैप पूरे कर लेंगे 45 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। आज की अपडेट मैंने आपको दे दी है, घरों में बैठे हैं सारे बच्चे, घर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद, ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, और स्कूल से भी मैसेज आ गया है कि बच्चों का होमवर्क पिक कर ले मेन डोर से, वो भी हम अभी जाते हैं, मैं और मेरा बेटा या हस्बैंड आपको दिखाएंगे। तो चले फिर, ओके सी यू सून। तो गाइस चले फिर, अभी हमने एक चक्कर लगाया तो माइका के स्कूल से उसका होमवर्क पिक कर ले, तो हनान से हेलो हाय कर ले। हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ने लगी है, तो हमने वॉक स्टार्ट किए, पहले तो बर्फ पड़ती थी तो फिर पॉसिबल नहीं था वॉक करना, बट इट्स अ लॉट बेटर वेदर जो है ना अभी, तो वी स्टार्टेड अगेन।
ये स्पेशल बच्चों का स्कूल है इधर, जो लोग ऑफ्टन दे हैव सम डिसेबिलिटीज और डिसलेक्सिया टाइप चीज़ें, तो दे ऑफ्टन गो हियर। और स्मैका का स्कूल जो है वो सिर्फ फ्यू मिनट्स की वॉक है हमारे घर से, सो वंस वी गेट देयर हम आपको दिखाएंगे। तो ये साथ ही हमारे एक बहुत बड़ा पार्क है, वैली है, तो बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा दाएं बाएं साइड पे। हमारा घर इस जगह पे है कि वॉक करके आप, वॉकिंग डिस्टेंस पे है सारा कुछ, इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ी ना भी हो तो आप वॉक करके जा सकते हैं, गाड़ियों का शोर है रोड्स वगैरह। तो देखिए व्यूअर्स, ये है नसफर्ड वैली, हमारे घर के पास ही है। अब तो विंटर की वजह से देखिए यहाँ कैसा खामोशी सन्नाटा छाया हुआ है, समर में तो बहुत खूबसूरत लगता है ये सारा। अभी तो दरख्तों के पत्ते सारे झड़ गए, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आज से रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आज से लोग फिर इतना ज़्यादा नहीं निकल सकेंगे बाहर बगैर किसी वजह के। 100 pound फाइन भी है मास्क के बगैर, आज का दिन है देखें क्या बनता है। तो भी बस वॉक के इतने फ़ायदे हैं ना, मेरे बेटे ने डाइट प्लान अपना फॉलो किया था, मैं सोच रही हूँ मैं अब हनान के साथ ही मिलके तो इसका डाइट प्लान फॉलो करूं, क्योंकि बनाना तो होता ही है इसने अपने लिए, तो खुद बनाता है माशाल्लाह से, इसने अपना 10 किलो वेट कम किया था, बहुत हो गया था ये भी, माशाल्लाह से देखिए कितना स्मार्ट हो गया, बिल्कुल स्मॉल साइज पे आ गया, तो इसी तरह मोटिवेशन मिलती है। तो चले फिर, अगर आप कहते हैं कि अपना डाइट प्लान करें तो मॉर्निंग में फिर इंशाल्लाह हनान की और मेरी मॉर्निंग की रूटीन और लंच की और डिनर की हम आपके साथ शेयर करेंगे, कि प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्रूट और वेजीज के साथ हम कैसे अपने वेट को कंट्रोल करते हैं विद वॉक। ओके, फिर स्वाइका का स्कूल आने वाला है, आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, उसका होमवर्क पिक कर ले। तो देखें गाइस, ये सामने स्मैका का स्कूल आ गया, अभी हम करेंगे रोड क्रॉस। बच्चों की फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुई थी, अब छुट्टियां हो गई हैं, तो जाहिर है प्राइमरी स्कूल है, तो यह स्कूल की मेन एंट्रेंस, यहाँ पे एक बंदा ही अलाउड है, बेटा जाएगा तो देखते हैं फिर। पहले मैं इधर ही रहती थी इसी मोहल्ले में, बिल्कुल सामने स्कूल के सामने घर था हमारा वो गैटलिंग एवेन्यू में। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरा पुराना मोहल्ला, मोहल्ला ही कहूँगी मैं, यहाँ पे मेरे बड़े साल गुजारे हैं जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, स्मैका भी इधर ही पैदा हुई, हनान भी इसी स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी इधर से की, और इधर ये वॉक करने के लिए हम फ्रेंड, ये सामने मेरी फ्रेंड्स के घर भी है इधर 2-3 का। तो मिल गया, अच्छा चले। तो व्यूअर्स, वॉक हमारी ख़त्म हो गई है, हनान चला गया अंदर और शहजाद ने तो एक ही चक्कर लगाया और चले गए, हम वो कह रहे थे मैं अपनी हाफ शिफ्ट करके आऊँ तो मैं टायर्ड हूँ, सांस चढ़ गया, स्मैका का होमवर्क नहीं मिला, वो कहते सुबह लेके जाइएगा, तो चले फिर। नोक 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 करो भैया, हनान को बहुत सर्दी लग रही थी, तो अब चल के चाय शाय पीते हैं, थोड़े गर्म होते हैं और फिर देखते हैं कौन आता है। हाय, हेलो स्मैका। ओके व्यूअर्स, तो अल्लाह हाफिज़, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके
कि हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और हमारे साथ अगर तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने स्टार्ट कर दी मेरे साथ वॉक, तो ठीक है, उनका आज दिन कैसा रहा और कैसा फील हुआ। ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर हम वॉक कर लेते हैं ना तो सारा दिन हमारा इतना फ्रेश और इतना अच्छा गुजरता है। ये देखें, अभी मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं लगाया हुआ, और इतना अपना फ्रेश लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी अच्छी रहती है और नींद भी अच्छी आती है। तो कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि बच्चे स्कूल जाएंगे, बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएगी, लेकिन फिर हमारे प्रेसिडेंट की कल रात को थी स्पीच, तो छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल भी उन्होंने बंद कर दिया जो अभी नहीं किए थे कल तक। तो आज फिर इंशाल्लाह ताला देखें, अब एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि शायद मार्च तक लेके जाएं। इन्फेक्शंस जो है हमारे यूके में, पूरे यूनाइटेड किंगडम में, बल्कि पूरे यूरोप में ही हमारे बहुत ज़्यादा हो गया है। समझ नहीं है किस वजह से हुआ है ये, या फिर वेदर बहुत कोल्ड है यूके का, इस वजह से है, अल्लाह खैर करे। चले फिर, हमारे बहन भाई जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें अपने सामान में रखे, हमें हदायत दे ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे सुबह। अस्सलामुअलैकुम, बाय बाय।